السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال الله تبارك وتعالى في أهل البيت يريد الله ليذهب عنكم أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله असला तो वसलम क्या हबीबल्ल असलात वसलमबी असलात अलैका या नूरल सल्ला तल वसलम अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अब हजूर नजमा है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की बराक सला तस्लीम के प्यारे दीवानों सुन्नी दावत इस्लामी की तहरीक की तरफ से मुहर्रम की मजालिस के सिलसिले में इस प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है और हम चाहते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात की आवाम को ये बताया जाए कि हम लोग भी सहाबाए कराम का ज़िक्र करते हैं अहले बैत का ज़िक्र करते हैं सहाबाए कराम को भी मानते हैं और अहले बैत को भी मानते हैं ताकि बहुत सारे दूसरे फिरके के लोग जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम ही अहले सुन्नत वल जमात हैं और उसके बाद वो हज़रत इमाम रदी अल्लाह त और आपके रोफ़ा जो करबला में शहीद हुए थे उनके बारे में वो कहते हैं कि वो बागी थे वो दिन से बगावत करने वाले थे यज़ीद अमीरुल अमीरमिन था और उसने इनके साथ में जो जंग लड़ी है उसमें यजीद बरहक था और इमाम हुसैन नाहक थे तो हम इन मजालिस के ज़रिए से ये बताना चाहते हैं कि हम वो अहले सुन्नत नहीं हैं कि जो यजीद को हक़ कह करके इमाम हुसैन को नाहक कहें हम वो अहले सुन्नत हैं जो इमाम हुसैन को हक़ पर कह कर यजीद को नाहक कहते हैं मैं आपको नाम भी बता दूं ताकि आपको कोई शुभा न रह सके कि वो कौन अहले सुन्नत होंगे कि जो इस तरह का मुतजाद अकीदा रखते हैं तो वो दौरे हाजिर में कहलाने वाले वहाँ हैं जो ये मुतजाद अकीदा रखते हैं कि यजीद अमीरुल मोमिनीन बरहक और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तन ये बागी और ना हकते हम अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह जंग में हक पर हैं और तमाम अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफिका फैसला वहाँ से लेकर के यहाँ तक है कि वो हक पर हैं और उनके मुकाबले में यजीद बातिल है बातिल है और बातिल है यहाँ तक के हमारे अईमा में से कुछ इमामों ने उसके कुफर का भी फतवा लगाया जैसे हजरत इमाम अहमद इबन हम्बल हैं कि उन्होंने पर कुफर का फतवा लगाया। और रह गए हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तन तो आपने फरमाया कि यजीद का फिस्क जाहिर है लेकिन कुफ्र के सिलसिले में मुतवा रिवायतें नहीं है इस वजह से हम ये कहते हैं कि यजीद के मामले में उसको फासिक फाजिर जो कुछ कहना हो कहो और कुफ़र की बात आए तो कह दो कि हम कफिलसान करते हैं ओ अल्लाह जाने रसूल जाने अगर उसका कुफ्र नहीं होगा तो वो ठीक है और काफिर है तो फिर वो काफिर है लेकिन हम उसके कुफ्र के बारे में फ़ैसला नहीं करेंगे फिस के बारे में फ़ैसला करेंगे मगर सुन्नत वल जमात में से बाज़ ने उसे काफिर कहा बाज ने उसको अनिफासिक और खबीस कहा जो अल्फाज दे सकते थे सब ने दिए किसी ने ये नहीं कहा है कि यजीद हक पर था और इमाम हुसैन नाहक थे पता ये चल गया कि वहां से लेकर के यहाँ तक जो अहल सुन्नत की एक चैन चली आ रही है उनका फैसला इमाम हुसैन की हकानियत का और यजीद के बुतलान का है जबकि दौरे हाजिर के वहाबी कहते हैं के हजरत इमाम हुसैन नाहक और बागी थे और यजीद अमीरुल मोमिनीन हक था अब खुद फैसला कर लो कि हक कौन और बातिल कौन हमारे हिंदुस्तान में सुन्नत वल जमात का अकीदा लेकर के हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमत ताला अली तशरीफ लाए और उससे पहले भी बहुत सारे ने दीन आए थे लेकिन जो एक इनकलाबी काम किया है वो हजरत सुल्तानुल्हीन ने किया है तो गरीब नवाज रहमत तला के आस्थाने पर अगर आप गए हो या गए हैं और आपने गौर नहीं किया तो दोबारा अगर आप जाते हैं तो आप उनके गुंबद के ऊपर जो अशा लिखे हुए हैं ना साइड पे कॉर्नर पे तो आप उस पर गौर कीजिएगा तो आपने लिखा है शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन दी नस्त हुसैन दी पना हस्त हुसैन सरदार नदा दस दस्ते यजीद हक्का के बिना ए, ए ला हस्त हुसैन ये शेर गरीब नवाज ताला अली का है और उस पर उलमा ने रिसर्च भी की तो पुरानी किताबों में ये बात वाजे हो गई है कि ये अशार आपके हैं रह गया आखिरी लफ्ज वो तो ज़रूरत शेरी की बुनियाद पर होता है कि ला इलाहा हुसैन तो आधा क्यों कहा गया तो शेर में पूरा कलमा पढ़ो तो शेर बनेगा ही नहीं इस वजह से वहाँ वजन शेरी की बुनियाद पर इस तरह से जो किफायत की जाती है किया जाता, उसकी इजाजत मिलती है तो आपने फैसला फरमा बरहक और यजीद नाहक था यह फैसला हमारे सुल्तानुल हिंद ने फरमाया तो ये बात बिल्कुल वाज है कि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा हिंदुस्तान में हजरत गरीब नवाज रे के आए थे और आपने भी फैसला यही फरमाया कि किरत इमाम और यजीद था। अब आप खुद फैसला ये करो कि सही अहल सुनत वज कौन है कि सुल्तानुल हिंद जो अकेदा लेके आए थे वो अकेदा तो हमारे पास में है दूसरों के पास में नहीं है तो अहले सुन्नत कहलाने में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक गलत अकीदा रखते हैं जिनको हम नाम निहाद अहले सुन्नत कहते हैं बल्कि वो अकीदा और नजरिया की बुनियाद पर इतने गलत हैं, इतने गलत हैं कि हमारे अहले सुन्नत ने मुतफीक होकर के उनके कुफर का फैसला किया है अब सही अहले सुन्नत पर आते हैं हम लोग सही अहले सुन्नत वाल जमात हैं के जो सहाबा को भी मानते हैं जो अहले बैत को भी मानते हैं और उन सब को मानते हैं जिनको मानने का हमारे नबी वसल्लम ने हमें सबक सिखाया, और जिसमें अहले सुन्नत वल जमात के लोगों का पहले से लेकर आज तक इत्तेफाक रहा उस अकीदे में हम लोग सरे मुंह फर्क नहीं लाते हैं इसलिए कि अहले सुन्नत वल जमात एक अकीदे और नजरिए का नाम है किसी तारीख का नाम नहीं है कि जिसमें बातें आगे पीछे हो जाएं। अकीदा और बिलीफ वो होता है कि जिसमें तब्दीली वाकई नहीं होती है इसलिए कि वो एक आदमी का इख्तरा नहीं होता है वो तमाम चैन के अंदर आने वाले मुखदर उलमा के

अपनी इस हदीस में समेट करके हम लोगों को उनकी हकानियत का दर्ज दिया अब फरमाते हैं मिशकात में यह हदीस है कि असहादई तुम, तुम मेरे सहाबा सितार, सितारे समान है उनमें से जिनकी भी इब्तदा करोगे तुम हिदायत पर रहोगे बहक न सकोगे ये हदीस बता रही है कि हुजूर फरमाते मेरे सारे सहाबा हक पर हैं तो जूर ने फैसला फरमा दिया सारे सहाबा हक पड़े आकों ने, बातिला के बारे में बयान के ने, ने फिर फरमाई के मुख्तलिफ नए नए मुख्तलि वजूद में आएंगे और वो अपने आप को मोमिनो मुस्लिम कह रहे होंगे मगर उनमें से सब मोमिनो मुस्लिम ना होंगे कुछ बद अकीदा होंगे किसी के अकीदे और नजरिए इतने खराब होंगे कि उसकी वजह से कुफर में चले जाएंगे कितनों के अकीदे नजरिए इतने खराब होंगे कि उसकी वजह से उनको मुसलमान का नाम देना भी एक शर्मिंदगी का बाइस बन जाएगा और पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें फिरकों के बारे में फरमाया जो तिरमिजी शरीफ की अदीस है कि मेरी उम्मत तहत्तर फिरकों में तकसीम होगी फिर आपने फरमाया कि उनमें से एक है वो जन्नत में जाएगा बाकी सब जहन्नम में जाएंगे तो ये फैसला नहीं कि सब हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे जिनका कुफरी अकीदा है वो हमेशा के लिए जाएंगे जिनका अकीदा कुफरी नहीं है तो अल्लाह ताला जब उनको माफ करेगा तो वो जन्नत में आ सकते हैं मगर जहन्नम में उनको जाना होगा मगर एक जमात है कि हमारे आका फरमाते हैं वो जन्नत में जाएगी तो हुजूर अकरम अली सलादत वीम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल वसल्लम बयान फरमाएं कि वो मुकद्दस जमात कौन सी है कि बहत्तर जहन्नम में जाएं और वो अकेला एक फिरका अकेली एक जमात जन्नत में जाएगी तो हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं यानी जिस नजरिए पर मैं हूं जिस अकीदे पर मैं हूं मेरे सहाबा हैं जिनको मैंने अकीदा और नजरिया पिलाया है उस पर जो भी रहेगा वो अहले हक और जन्नती है और उनके अकेदे और नजरिए से जो हट जाएगा वही जहन्नमी और वही अल्लाह की बारगाह से मरदूद है अब अंदाजा लगाओ कि हजूर पाक अली सला तस्लीम ने सहाबा की हकानियत के बारे में ये तो फरमाया कि जिस सहाबी का भी तुम फॉलो करोगे रहोगे तो वहां भी सारे की हकानियत का हमारे आका ने फरमाया। मगर इस के से हमारे आका मौला इशाद फरमाया कयामत तक के अहले हक की अगर पहचान तुम्हें करनी है तो पहले ये देखो कि वो मेरे

जो सारे सहाबा को लेकर के चलते हैं। हमारे गौसे पाक अली जिनकी किताब है उसमें आपने तमाम फिरकों का तस्करा फरमाया गौसे पाक के जमाने में भी तहत्तर फिरके हो चुके थे और फिर वो नाम बदलते गए दूसरे आते गए मगर तहत्तर फिरके हो चुके और आपने उसमें मेंशन किया नामों के साथ उनके गलत अकाइद के साथ उसके बाद में फैसला किया कि जो जन्नती जमात है वो अहले सुन्नत वल जमात है ये गौसे पाक ने फैसला फरमा उसमें आप फरमाते हैं कि सहाबा किराम के सिलसिले में हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा और नजरिया ये है कि उनके आपस में दर्जात मुख्तलिफ हैं फ़ज़ाइल के एतबार से मनाकब के एतबार से लेकिन जहां तक उनके मानने का सवाल है उनकी हकानियत और उनकी सदाकत का सवाल है तो आप फरमाते हैं हम तमाम सहाबा के राम को मानते हैं और किसी भी सहाबी के बारे में किसी भी तरह की कोई तनकीद हम जायज नहीं समझते हैं फिर आपने यह फैसला फरमाया कि हजरत वशी जिन्होंने हजरत हमजा रज अल्लाह तसूल अक्रम अली सलात तस्लीम के चचा को शहीद किया था और उसके बाद में उन्होंने मुसलम्मा कजा को भी वासी जहन्नम किया था तो हजूर पाक अली सलात तस्लीम की बारगाह में आते थे तो हजूर को उनको देख करके अपने चचा याद आते थे तो आपने इशा फरमा था कि वह तुम मेरे सामने आते हो तो मेरे चचा मुझे याद आ जाते हैं आओ मजलिस में मैं रोकता नहीं हूँ मगर ऐसा करो कि ऐसी जगह पर बैठो कि मेरी निगाह ये तुम्हारे चेहरे पर न जा सके तो हजरत वशी फरमाते हैं कि मैं मजलिस में जाता था तो ऐसे छुप के बैठता था कि हुजूर मुझे न देख सकें तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफरत नहीं थी मगर वो अपने चचा याद आते थे तो इसलिए फरमा था कि तुम साइड पर रहो तो अच्छा रहेगा होश पाक फरमाते हैं हजरत वशी जिनके बारे में हुजूर अकरम अली अक्रम सलात ने यह फरमा हजरत भी हमारे नजदीक हको सदाकत के पैकर हैं और उनकी हको सदाकत के बारे में भी हम किसी भी तरह की कोई तनकीद रवा नहीं रखते हैं ये एग्जाम्पल आपने इसलिए दिया कि जो अजिल्दा कराम है वो तो अपनी जगह पर है लेकिन जिनके बारे में हुजूर ने यह फरमाया है इसके बारे में भी हम अहले सुन्नत नजरिया यही है हमारे कराम रिजवान के बारे में जो फैसला फरमा वो मैं आपको बयान करूं अकीदे के सिलसिले में हजरत इमाम जाफर तहावी ने अकाइद तहाविया में सहाबा कर रिजवान तलाम अजमीन के सिलसिले में क्या अकीदा रखना चाहिए तो आप फरमाते हैं ला नस्कुरुहुम इल्ला बिखैर हम सहाबा का तस्करा सिर्फ खैर और भलाई के साथ में करेंगे फिर फरमाते हैं वह हुब्बुहुम दीनुन व ईमानुन व एहसानुन व बुग्जुहुम कुफ्रुं व निफाकुं व तुगयान उनसे मोहब्बत रखना यही दीनो ईमान यही एहसान और भलाई है और उनसे बुग्ज़ो अदावत रखना ये कुफ्र है निफाक है तो गयान और सरकशी है कि कैसा आप उनके बारे में इख्तलाफ रखते हैं अगर आपने किसी दलील कतई का इनकार किया है सहाबी के सिलसिले में तो ऐसा नजरिया कुफर का नजरिया होगा जैसा के अहले तशैय हजरत आयशा सिद्दीका रजी ताला अनहा के बारे में रखते हैं कि माजल्लाजल्ला हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तहा पर जो तोहमत लगी थी वो तोहमत सही है हालांकि में शाहिद है और कई आयतें अल्लाह तबारक ने वजरत सिद्दीक़ा की सदाकत के सिलसिले में नाजिल फरमाई है मगर उसके बावजूद उन्होंने इस सिलसिले में इनकार किया है बल्कि हक्कुल यकीन मुल्ला बाकिर मजलिसी की किताब है उसके सफा नंबर तीन पर उसने ये लिखा है कि जब हजरत इमाम महदी रदी अल्लाह तला जहूर फरमाएंगे तो वो लिखता है कि हजरत आयशा सिद्दीका की कब्र पर जाकर के उनको जिंदा करके कब्र से बाहर निकालेंगे और उसके बाद में उन पर यानी तोहमत की जो उन पर जो जिना की हद है वो हद लगाएंगे और हजरत फातिमा ताला का बदला उनसे चुकाएंगे ये बाकी मजलिस ने अपनी किताब में लिखा है पता है चला ये कुरान की नस्से सरी का इनकार है तो ये ऐसा अगर अकीदा सहाबी के सिलसिले में रखा जाए तो यकीनन ये कुफर है इसलिए माम तहवी ने फरमा कि कुछ जो सहाबा के सिलसिले में बातें की जाती है गलत वो कुफर भी है कुछ पर है और कुछ का यह मुतफिका नजरिया है पहले से लेके आज तक इस चैन में एक शख्स ने भी किसी भी तरह से उसको ब्रेक करने की कोशिश नहीं की है वो ये है कि तमाम सहाबा कर वली हैं और अल्लाह के वलियों में उनका दर्जा सबसे ऊंचा और सबसे बुलंदो बा है यहाँ तक के अगले जितने अलिया हो चुके हैं दूसरे अंबिया कराम से मुतालिक हो करके उनमें भी विलायत की जहां तक बात है तो साहबाए कराम रिजवान तला अजमीन उनमें भी आगे हैं और उनके भी सरदार हैं और कयामत तक जितने अवलिया दुनिया में तशरीफ लाएंगे ताला में भी विलायत में सरदार हैं ये अकीदा, में कोई थोरा भी रखना करेगा, तो हम लोग अहले जमात से उसको खारिज करार देंगे ये तो एक हुआ कि तमाम सहाबा किराम विलायत में सबसे ऊंचे और बुलंदोबाला दर्जे पर फाइज है और विलायत में उनको सब वलियों का सरदार मानना ये सुन्नत वल जमात की जरूरत में शामिल है अब उनके दरमियान की विलायत की बात करते हैं। कि उनके दरमियान की जो विलायतें हैं उनमें उनके दर्जात मुख्तलिफ हैं सबसे बुलंदो वाला हजरत अबू बकर सिद्दीक है और उसके बाद में हजरत उमर फारूक आजम है उसके बाद में हजरत ऊस्मान गनी है और उसके बाद में हजरत अली करम अल्लाह तजुल करीम रजी अल्लाह तुम है तो आप अंदाजा लगाओ कि ये अहल सुन्नत ज़मात का वा फैसला है अहल सुन्नत में कह रहा हूं अहिल सुन्नत का मुतफ़ा फैसला है अब इनमें तफजील के हिसाब से अगर कोई आदमी रखना अंदाजी करे और वो ये कहे कि फला का दर्जा ये नहीं वो है फना का दर्जा ये नहीं वो है तो अगर इस तरतीब को कोई किसी भी तरह से उलटने की कोशिश करेगा तो वो कुछ भी हो सकता है मगर अहले सुन्नत वल जमात में उसका शुमार नहीं हो सकता है इस वजह से हर किस्म के राफजी को हम लोग भले उनमें से कुछ अक्साम को काफिर न भी कहें मगर उसके बावजूद हम अहले सुन्नत वल जमात में उनको शामिल नहीं करते हैं तो हर किस्म का राफजी पहले सुन्नत वाल जमा से खारिज है बद अकीदा है और उसको गुमराह बदीन कहना हम लोगों पर लाजिम है इसलिए कि हमारे मुत्तफिका नजरिया में उसने रखना अंदाजी करने की कोशिश की है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले दर्जे पर उमर दूसरे दर्जे पर उस्मान तीसरे दर्जे पर और हजरत मौला अली ये तीसरे दर्जे पर हैं तो ये मानना हम लोगों के लिए लाजिम है और उसमें कोई आदमी फर्क नहीं कर सकता है और इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि हजरत अनहो के, के साहबजादे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर उन्होंने बुखारी शरीफ में दो रिवायतें इस सिलसिले में नकल फरमाईं रिवायत रिवायतें हैं एक रिवायत उनकी ये है जिसमें आप फरमाते हैं ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6655 है उसमें आप फरमाते हैं कि कुन्ना नखयरो बैन नासे फी जमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनखयरो अबबकरिन थुम्मा थुम्मा उस्मान। आप फरमाते कि पाक के जमाने में हम फजाइल के सिलसिले में बात करते थे के कि कौन सबसे अफजल है कौन सबसे अफजल है की मौजूदगी में फरमा रहे हैं कि जमन रसूल यानी की मौजूदगी में हम लोग ये बात करते थे तो फरमाते कि हम सहाबा क्या कहते थे फरमा फन कह रहे हम सब ये कहते थे के इतफाक की तरफ इशारा कर हम सब ये कहते थे सबसे अफजल अबू बकर हैं फिर हजरत उमर फारूक आजम है, और फिर हजरत है ये अदिख। दूसरी हदीस बुखारी शरीफ में तीन हजार छ सौ अठानवे नंबर की है आप रिवाज फरमाते उसकी नबी सला सुम्मा 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 आप फरमाते हैं कि अकरम की मौजूदगी में हम लोग कुन्ना यहाँ यहां भी कहा है नहीं हम सहाबा के इतफाक की तरफ इशारा कर रहा है। फरमाते हम सहाबा हजूर पाक की मौजूदगी में यह कहते ला ना दिलो अभी बकरिन आहदन हजरत अबू बकर सिद्दीक के बराबर किसी भी सहाबी को हम लोग शुमार नहीं करते थे फिर उसके बाद में हजरत उमर के बराबर किसी और को नहीं समझते थे सुम्मा उस्मान फिर हजरत उस्मान के बराबर किसी और को नहीं समझते थे सुम्मा नत्रको असहाबान नबीये ला नफादिलु बैनहुम इन तीन के बाद में हम लोग खामोश थे फिर किसी की फजीलत के सिलसिले में बात नहीं करते थे तो इससे ये पता चला कि मौलाए कायनत रदी अल्लाह तरजा साहबाई के राम में चौथे नंबर पर आता है लेकिन इस सिलसिले में मैं बता दूँ कि जो हमारे वायजीन हैं हमारे मुक्रीन हैं हमारे खुतबाँ हैं जो सिर्फ लफाजी को अपने बयान की बुनियाद समझते हैं और उनमें वो इस तरीके से बातों को लोगों के सामने बयान करते हैं कि कभी कभी ऐसा समझ में आता है कि शायद हम इस बर्तरी के जरिए से दूसरे की तजलील चाहते हैं तो अगर इस तरीके से बोला जाए तो उलमा अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक नाजायज और सख्त नाजायज है इसलिए कि आप इस तरह की फजीलत को बयान करके लोगों के दरमियान में किसी दूसरे सहाबी की तनखीस का शुभ पैदा करना चाहते तो हम इस सिलसिले में जो मोतदीर गुफ्तगु करते हैं वो ये है कि ये चार सहाबा अगली और पिछली उम्मत में अंबिया और रसूल के बाद में सबसे अफजल है ये चार सहाबा अगले और पिछली उम्मतों में अंबिया और रसूल के बाद में सबसे अफजल है उनके बराबर कोई नहीं ये हो गया कि भाई इनकी फजीलत ये चार सबसे अफजल है इनके बराबर कोई रह के इनका आपस का मसला तो हमारे हमारी चैन में पहले से लेके आज तक का जो फैसला हुआ और साहबा किराम ने जो फैसला किया है जैसे मैंने बुखारी की के दीस के नंबर के साथ हमें आपको बताया है तो उस पर हम यही फैसला करते हैं कि अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक है फिर उमर है फिर उस्मान है फिर अली है मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अली को हम छोटा मानते हैं उस्मान को उनसे बड़ा मानते हैं ये भी नहीं है कि उमर को बड़ा मानते हैं, अली को छोटा मानते हैं, छोटी की बात ही नहीं है हम ये कहते हैं सब अफजल हैं, उन अफजलों में अफजल कौन है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दी कहे तो तनकी इसका पहलू आ ही नहीं है कि भाई आप ये कहो कि यह अफजल है वो मफजूल है मफजूल कोई नहीं चारों के चारों अफजल है और अफजल में अफजल ये दर्जा है तो जहां तनकीस का पहलू नहीं आता है यही हमारे मोहतात ने हम लोगों को सिखाया है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम अहले के गलत बयानी और गलत नजरियात के सामने रख के हम इस तरह से बयान करें कि इन शहाबा को ऐसा उठाए कि माजल्ला मौलाए कायनात की तनकीस साबित तो हो यह अकीदा हमारा नहीं है हम ये कहते हैं वो चारों के चारों अफजल हैं मफजुल कोई नहीं मगर उन अफजलों में अफजल अबू बकर हैं उन अफजलों में अफजल उमर फारूकी आजम हैं उन अफजलों में अफजल हजरत उस्मान गनी हैं उन अफजलों में अफजल मौलाए कायनात है ये दर्जा वरना हमारे खुद आला हजरत فاضل بریلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ पूछा गया था बताओ इमाम आजम हमारे मसलक के इमाम हैं और गौसे पाक रजी अल्लाह ये हमारे मशरब के इमाम हैं इन दोनों में अफजल कौन है एक बहुत बड़ा सवाल है तो हमारे आला हजरत ने जवाब दिया कि एक मेरे मसलक का इमाम है एक मेरे मशरब का इमाम है मैं कौन होता हूं कि ये कहूँ कि ये अफजल है वो मफजूल है मैं तो यही कहता हूँ वो मेरे मसलक का इमाम है ये मेरे मशरक का इमाम है यानी फैसला फरमा के हम मफजूलियत बात ही नहीं कर सकते हैं हम तो अफजलियत पर बात करते हैं और अफजल में अफजल पर बात करते हैं इस वजह से जितना अकीदा है उतना ही बोल करके हम खामोश हो जाएंगे उससे ज्यादा इस तरह की ना करेंगे कि इनमें से किसी की तनकी से शान होती हो यह अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का है मोहतात अकीदा है और इसी पर रह कर के तमाम खुतबा को अपना बयान देना चाहिए उसके बाद में अशर मुबशरा का मकाम है उसके बाद में हजरत हसनैन का मकाम है उसके बाद में असहाब बद्र का मकाम है फिर अब रिजवान बैत रिजवान का मकाम है और उसके बाद में सहबा कराम के, के अपने अपने दर्जात हैं कुछ फतेह मक्का से पहले हिजरत करने वाले हैं कुछ फतेह मक्का के बाद ईमान लाने वाले हैं तो इस हिसाब से उनके दर्जात मुख्तलिफ है जैसा कि कुरान ने खुद इसमें फर्क बयान किया है लेकिन जहां तक उनकी शख्सियतों के सिलसिले में हम लोगों का नजरिया है तो वो है कि कुल परवरदिगार आलम ने के के परवर दिगार आलम का कुरान मजीद फुरान हमीद के जरिए से इस दुनिया में ये हतमी फैसला है आखिरत में तो होना ही है अल्लाह ने अपना फैसला कुरान में यहाँ बयान फरमा दिया है सुन लो मेरे हबीब से ताल्लुक रखने वाले साहबा हुसना उन सब से अल्लाह तबारक वाल ने हुसना यानी जन्नत का वादा फरमा दिया है

परवरदिगार आलम का है अल्लाह फरमाता है अगर हक नहीं और बातिल था तो जहन्नम में जाता ना लेकिन अब ये फरमाता है कि सुनो मेरे हबीब के तमाम सहाबा ऐसे हैं कि उनके बारे में मैं कयामत तक के लिए अपना जो मंशूर है उसमें ऐलान कर देता हूं ताकि किसी भी तरह की तुमसे खता ना हो सके कि सब के सब जन्नती हैं और जन्नती होने का फैसला रब ने यहां फरमा दिया है मीज़ा ने अमल थमाने के बाद में नहीं यहां थमा दिया है कि वो सब के सब जन्नती हैं अब मैं आता हूं हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ये अहल बैत की बुनियाद है कि इमाम हसन हुसैन ये सादात के भी सरदार हैं और तमाम सादात को इन्हीं की तरफ मंसूब किया जाता है बाकी अहले बैत में सब शामिल हैं हाशिम जितने भी हैं ना उन सब को अहले बैत कहा जाता है वो चाहे, वो चाहे चादर के नीचे आए हों चाहे ना आए हों या रसूल पाक की हैं रसूल पाक की औलाद हैं रसूल पाक के वो गुलाम जो आपके घर में रहते थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बा हैं वो सब की सब अहले बैत में सुन्नत वल जमात के फैसले में शामिल हैं इमाम ने में ये फैसला कि उन सबको हम अहलते हैं फरमाई हो वो भी उसमें आ जाएगा जैसा कि हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तहो के बारे में उनसे उन्होंने जब कहा था तो हजूर ने फरमा था तू हमारे अहले बैत हो तो उनको भी शामिल किया जाएगा तो अहले बैत का मफहम तो बड़ा वसी मफहूम है लेकिन जहां तक सादात का मफहूम है तो ये सिर्फ हजरत इमाम हसन और हुसैन तलामा की ब्रांच में जो जाते हैं उन्हीं को सादात का दर्जा दिया जाता है बाकी सब बनी हाशिम का दर्जा बड़ा ऊंचा कोई ये ना समझे कि किसी अलवी को हम नीचा कह रहे हैं नहीं जितने बनी हाशिम है सब हमारे सरों के ताज हैं इसलिए कि नबी अकरम अली सलात से नसबी उनका रिश्ता है कुछ लोगों का मस्कन से उनका रिश्ता है और उनके बराबर कोई नहीं हो सकता वो सब हम लोगों के सरताज हैं सरदार हैं लेकिन जहां तक उनमें अफजलियत का सवाल है तो सब अफजल हैं और उनमें सबसे अफजल इमाम हसन और हुसैन और उनकी ब्रांच और उन लोगों की जो ब्रांच आएगी वो उनसे नीचे लेकिन हम नीचे का लफ्ज नहीं बोलना चाहते इसलिए मैं कहता हूं कि सब अफजल हैं और उनमें अफजल दर्जा सादात का है हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अहले बैत हैं और हम यही कहते हैं हम अहले सुन्नत व जमात वो हैं सहाबा को भी लेके चलते हैं अहले बैत को भी लेकर के चलते हैं हमने ये फैसला किया कि हजरत अमीर माविया के बारे में हमारा कीदा क्या होना चाहिए हमारा नजरिया क्या होना चाहिए तो मैंने गौसे पाक की रिवाज पहले बयान कर दी ताले से कि उन्होंने कहा सारे साहबा हमारे नजदीक हक है और किसी के बारे में कोई तनकीद हम नहीं कर सकते हैं और जब अल्लाह ने जन्नत का वादा दे दिया तो खुदा के फैसला फरमाने के बाद में, मैं और आप कौन हो सकता है कि उनके बारे में तारीख की किताबों को देख करके जिसमे बहुत नशे फराज है और हम अपने अकायद नजरियात को मजरू करें तारीख की किताबों को सामने रखने के बाद में हर तारीख की किताब को हम छोड़ सकते हैं, लेकिन अकीदे और नजरिए के खिलाफ किसी भी बात को हम लोग रवा नहीं रख सकते हैं हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह हज़रत अमीर माविया के सिलसिले में जो फैसला फरमाया वही हम अहले सुन्नत वल जमात का वहां से लेकर के आज तक नजरिया है और इंशा अल्लाह यही नजरिया हम अहले सुन्नत वल जमात का हमेशा के लिए रहेगा वो क्या है कि हजरत इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया को इतना लायक समझा इतना लायक समझा कि अपनी खिलाफत उनको हवाले की और आप खिलाफत के मनसब से वक्ती तौर पर दस्तबरदार हो गए अब अंदाजा लगाओ कि जिन नज़रों से हजरत इमाम हसन ने अमीर माविया को देखा था हम अहले सुन्नत वल जमात उन्हीं नज़रों से हजरत अमीर माविया को देखते हैं जिन निगाहों से अहले बैत ने उनको देखा था अब आते हैं अहले बैत के सिलसिले में मैं एक हदीस आपको बयान कर दूं हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और ये तफसीर कबीर में ये अदीस उन्होंने तहरीर फरमाई है हजरत तफसीर कबीर में ये है कि मम माता अला हुब आले मोहम्मदिन माता शहीदन जो आहले बैत की मोहब्बत में मरेगा उसको अल्लाह दर्ज शहादत अता फरमाएगा मम माता अला हुब आले मोहम्मदिन मा मा मगफूर अल्लाह जो अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमाएगा और हजरत मौलाए कायनात के सिलसिले में हमारे आका ने इशा फरमाया मन अहब्ब अली फ़कत अहबनी वो मन फकद फ़कत अहब अहब्बल्ला अहब जिसने हज़रत अली से मोहब्बत की उसने मुझ नबी से मोहब्बत की और जिसने नबी से मोहब्बत की वो उससे अल्लाह मोहब्बत फरमाएगा और आपने इशा फरमाया कि अल हसन हसैनों सैयदा शबाब अहल जन्ना के हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं और हजरत फातिमा के सिलसिले में इशा फरमाया बुनैया अला तरदीना के सैदत आलमीन क्या तुम राजी हो कि निसाइल आलमीन तुम सारे जहानों की औरतों की सरदार हो तो हमारे उलमा ने फैसला फरमाया कि मुत्तफिका तौर पर हजरत फातिमात जहरा सारे आलम की औरतों की सरदार हैं तो इनके बारे में शाह फरमा और हजरत इमाम हुसैन के बारे में फरमाया कि अल हुसैन मिन अल हुसैन मैं हुसैन से हूँ हुसैन मुझसे हैं इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमात सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं और मुहर्रम की मजालिस में सहाबा का तस्करा हम इसीलिए करते हैं ताकि कोई ये ना समझे कि हम अहले हैं कि जो अहले तेले के मानने का दावा करके सहाबा ताला को बुरा कहते हैं बल्कि उन्होंने अपनी किताब में यहाँ तक लिखा हुआ है कि रिजाल कशी सफा नंबर बारह और एहतजाज तबरीसी जल्द एक सफा नंबर एक सौ तेरह हजूर के विशाल के बाद में तीन शख्सों के अलावा सब मुर्तद हो गए थे और तीन का जिक्र उन्होंने किया है मिखदाद बिन असवद अबू जर गफारी और सलमान फारसी ये तीन सहाबा से मुसलमान थे और बाकी सब के सब इस्लाम से खारिज हो गए थे माजल्ला सुबह माजल्ला हमारा कीदा ऐसा नहीं है इसलिए हमारे अहले सुन्नत वाल जमात के ओलमा ने यह फैसला फरमाया कि हम भी मजाली से महरम करेंगे जरूर करेंगे ताकि कोई ये ना कह सके कि हम अहले बैत के खिलाफ हैं लेकिन मजाली से मुहरम इस तरीके से करेंगे कि हम तमाम सहाबाई किराम का भी जिक्र खैर लेके चलेंगे और अपने बयान का अख्ताम अहले बैत के ऊपर करेंगे यही वजह है कि जब जिस जमाने में खारजी और अहले तशैय का तसादुम चल रहा था एक अहले को बुरा कह रहा था एक सहाबा को बुरा कह रहा था उस वक्त के जमाने के जमाने ने मुतफ होकर के फैसला किया था हम ना खारजी हैं हम न अहले तशैय हैं, और उस वक्त उन्होंने फैसला किया था इस बात का कि हम अहले सुन्नत वज है वहां से लेकर के ये नाम आज तक चल रहा है तो हमारे ने उस वक्त ये फैसला किया कि अब मिंबरों पर कोई सहाबा की बुराई कर रहा है मिंबरों पर कोई अहले बैत की बुराई कर रहा है और हम हैं कि हम अपने खुतबा में सहाबा का भी तस्करा करेंगे अहले बैत का भी तस्करा करेंगे वहां से लेकर आज तक खुतबों में सहाबा का भी जिक्र होता है अहले बैत का भी जिक्र होता है तो इसी तरह से हम अपनी मजलिस का आगाज सहाबा से करते हैं इख्तिताम अहले बैत पर करते हैं और इस बात का ऐलान करते हैं जो हमारे इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार हुजूर, नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की वमा अलैना